हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोमू चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आपका मेरे लद्दाख राइड सीरीज़ के एक और ब्लॉग में। इसके पिछले वाले ब्लॉग में मैंने अपना जर्नी शेयर किया था मनाली से लेके सरचू तक। 12 लाचा पास क्रॉस किया, ठंड में हालत ख़राब हो चुका था। आज मैं यहीं सरचू में रुकने वाला हूँ। तो टाइम हो रहा है लगभग 3:30 इन दी आफ्टरनून। और यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में जैसे बताया था कि एक अंकल मिले थे मुझे दारचा पे, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया था यहाँ पे पहुँचाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपके पास टेंट वगैरह है तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो आगे पांग का जर्नी है 80 किलोमीटर्स का, वो आज नहीं करके यहीं पर रुक जाता हूँ। तो दौरजी कैंप्स बेसिकली एक कैंप साइट है, ये ट्रांजिट कैंप है। तो जो लोग मनाली लिए करते हैं वो यहाँ पर सरचू में बहुत लोग आके रुकते हैं। तो सरचू में ये एक बहुत ही प्यारा जगह है रहने का। टेंट्स का लगभग 2,000 से 2,500 लगता है, खाना पीना लेके दो जने का शायद। तो यहाँ पर तो मैं रह नहीं सकता, उतना बजट नहीं है। तो इसीलिए मैं कैंपिंग चूज़ कर रहा हूँ, अपना सोलो कैंपिंग मैं खुद करूँगा। ये सारे जो टेंट्स हैं इसके पीछे साइड में एक खाली सा जगह देख के रखा हूँ जहाँ पर मैं अपना टेंट सेट करने वाला हूँ। सांस फूल रहा है। सांस फूल रहा है, ज़्यादा नहीं चलूँगा। हाय, हेलो, हाउ आर यू, हेलो। हाँ मैं यहीं पे रुकूँगा आज रात। हाँ चलो चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलो वो चाय के लिए बुला रहे हैं, चलो चाय पियेंगे, चलो चलो चाय पियेंगे, चलो आ जाओ चलो। कितना खुश हो गया मेरे को देख के यार ये। पहुँचते साथ साथ यहाँ पे चाय बन रहा था तो मैं बोला मेरे लिए बना दो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक टी अदरक डाल के। तो ठंडा में ऐसे गाड़ी चला गया, आने के बाद गरम गरम चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये देख लो एक बार किचन, सब मना कर रहे दिखाने में, शर्मा रहे सब। ये देखो चरा नहीं आएगा आपका, आ गया हाई बोल दो आप। दो ये सब यहाँ के स्टाफ है, ये लोग अभी प्रिपेयर कर रहे खाना वगैरह रात के लिए जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो ऑलमोस्ट सारा सामान अंदर डाल दिया। यहाँ सरचू में टेंट लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, मेरा टेंट लगाते लगाते 3-4 बार इधर उधर उड़ चुका है। तो मैं इतना जगह कैंपिंग किया हूँ, कभी मैं अपना टेंट को एंकर नहीं करता था। आज पहली बार मैं अपने टेंट को अच्छे तरीके से एंकर किया हूँ चारों पॉइंट्स पे, और ऊपर से ये रस्सी बांध के स्टोन वाला डाला हूँ ताकि हिले नहीं रात को, फड़फड़ाए नहीं एटलीस्ट। तो अभी जो हवा चल रहा है उसमें नहीं फड़फड़ा रहा है, पता नहीं रात को क्या होगा। तो ये मैंने अपना सा एक जगह बना लिया जहाँ पे मैंने टेंट लगा दिया। बाइक को ऐसे साइड पे लगा दूंगा ताकि हवा मेरे बाइक से होकर आए, टेंट पे डायरेक्ट ना लगे। और मेरा जो रेन गियर है वो भीग गया था, उसको मैं सुखाने के लिए रखा बाइक पे। जूता भी पूरा सुखाने के लिए डाल दिया हूँ, सामान सब अंदर कर दिया। धीरे धीरे सब अनपैक करेंगे। और फिलहाल तो टाइमलेस वगैरह निकाल रहा था टेंट लगाने का। और इधर तो सनसेट उस तरफ होएगा, और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है, मतलब क्या सीन लग रहा है बस। तो पहाड़ों पे आके सोलो कैंपिंग करने का जो शौक था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है, और इस पूरे लद्दाख राइड में ये पहला सोलो कैंपिंग है। इसके बाद कोशिश करूँगा जहाँ भी मौका मिलेगा कोशिश नहीं करूँगा, जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ पर मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अंधेरा होने में तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। ऐसे ही हाई ऑल्टीट्यूड पर थोड़ा लेट से ही अंधेरा होता है। तो अंधेरा होने के पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं अपना टेंट का सेटअप किस तरह से किया। तो लगाते वक्त तो मेरा हालत ख़राब हो गया हवा के चलते। दूसरा बात, एक लाइट कैरी कर रहा हूँ मैं, ये छोटा वाला लाइट जो ऊपर में लटक रहा है ये डेकैथलॉन से लिया था मैं। ये टेंट के अंदर में लाइटिंग वगैरह करने के लिए, और टेंट के बाहर मेरे को अगर घूमना है तो मैं ये छोटा सा ऑन का लाइट यूज़ करूँगा। इससे ज़्यादा मैं लाइट वाइट वगैरह कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रात को शूट क्या ही करूँगा मैं लाइट वाइट जला के। यहाँ पर मैंने अपना स्लीपिंग मैट बिछा दिया है, जो स्लीपिंग बैग है तो ये वाला स्लीपिंग बैग मैं यूज़ करने वाला हूँ आज। ये है 10 डिग्रीज, मतलब 5 डिग्रीज तक कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे एक स्टोव रखा है मैंने, पीनट बटर है मेरे पास, भूख लगते साथ ही मैं पीनट बटर दबाऊँगा।
ऐसे तो स्निकर्स वगैरह खा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा यूटेंसिल्स है, इसमें थोड़ा चाय वगैरह मैगी वैगी बन जाएगा। जैम रखा हूँ मैं, ब्रेड है मेरे पास वो ब्रेड खाने के लिए, और ये इस गैस का, इस स्टोव का गैस, ये मेरा स्लीपिंग मैट। स्लीपिंग मैट का हमेशा जो ये सिल्वर वाला लेयर होता है ना, इसको नीचे की तरफ रखना चाहिए, तो ये क्या करता है ना, जो बॉडी का हीट है उसको भागने से रोकता है, और नीचे से जो ठंडा है उसको ऊपर आने से मना करता है। तो ये फोम के ऊपर आराम से सो सकते हैं। मेरे को इस टेंट पे बैठ के जो सबसे बेस्ट चीज़ लग रहा है वो है मेरे यहाँ से जो व्यू मिल रहा है बाहर की तरफ का, चारों तरफ पहाड़, सिर्फ बादल उड़े जा रहे हैं, और सूरज कभी ढकता है खुलता है, तो ऐसे ये जो फीलिंग है ना ऐसे टेंट में बैठ के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में, तो जो किया है ऐसे कैंपिंग उसी को पता चलेगा। तो बाहर सनसेट हो चुका है, अब धीरे धीरे लाइट डाउन होगा, उससे पहले मैं सोचा कि अपने लिए थोड़ा सा सूप बना के पीता हूँ। यहाँ पे ठंडा हवा के वजह से लग रहा है, टेंट के अंदर में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, मगर पहाड़ खड़े रहने से जो हवा चल रहा है उसके वजह से ठंडा लग रहा है। तो मैं अपने साथ कुछ सूप कैरी कर रहा हूँ, तो वही बनाऊँगा अभी, और पानी वगैरह जो एसेंशियल है, पानी में एसेंशियल है, तो पानी में यहाँ पास में जिस कैंप के पास में रुका हूँ उनसे ले लिया। तो और इस वाले फ्लास्क में मैं एक बार गर्म पानी उबाल के डाल के रख दिया हूँ, ताकि रात में अगर प्यास लगे तो गर्म पानी को अच्छे से मैं पी पाऊँ, ऐसे इसके ढक्कन में कप बना के मैं पी पाऊँ। बन गया सूप, दो पैकेट डाला मैं, भूख भयानक जोर से लगा यहाँ पे। और खाने का मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद बनाऊँ या फिर बाहर उनको बोल दूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मैगी वगैरह है, तो मैं चाहे तो बना के खा सकता हूँ, लेकिन ऐसे ठंडे वाले जगह पे थोड़ा अच्छा खाना भी ज़रूरी होता है। तो मैं जो भी करूँगा अपडेट कर दूँगा, तो फिलहाल सूप पीते हैं। तो मैं चाहे तो किसी आइसोलेटेड जगह पे अपना टेंट वगैरह पिच कर सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो मैं रिस्क लेने नहीं लेना चाहता था, और दूसरी बात है कि जो पानी कैरी करने का जो 5 लीटर वाला एक पैकेट आता है अमेज़ॉन वगैरह पे मिलता है, तो वो चीज़ मेरे पास नहीं था, और मैं प्लास्टिक का बॉटल ख़रीद के फिर उसको गंदा फैलाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए यहीं पर रुक गया कि चलो कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट मिल जाएगा, ये सब लॉजिस्टिकल सपोर्ट बाद बाकी तो है ही हमारे पास सब चीज़। हुंडर में देखते हैं क्या करेंगे, हुंडर में भी कैंपिंग करने का प्लान है। ये कोई भी पहाड़ी डेस्टिनेशन में एक चीज़ देखा हूँ कि जो पहाड़ी पानी होता है, जो ग्लेशियर वाला पानी होता है, वो लोग कहीं ना कहीं से तो पाइपलाइन करके, साइफोन सिस्टम करके, ऐसा करके रखते कि दिन भर बहते रहते। तो वहीं पे जाके बर्तन धो लिया, और ठंडा पानी, भाप रे, इतना भयानक ठंडा पानी, हाथ पूरा जम गया। मैं इसको धोते धोते ना सोच रहा था कि क्यों धोने आया, कल सुबह धो लेता या फिर गर्म पानी से धो लेता। भैया खाने में क्या बन रहा है आज रात को? खाने में भैया दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, अच्छा रोटी बनेगी, चावल बनेंगे, सूप, स्वीट, यहीं पे खा लूँगा मैं आज, खाना बोल दिया मैं यहाँ पे किचन पे, तो खुद बनाने से अच्छा यहाँ पे जब फैसिलिटी है उसका भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। दौरजी कैंप्स पे हूँ मैं। जब तक लाइट डाउन नहीं होता मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा प्रणाम किया, और जिधर कैमरा घुमा रहा हूँ मेरे को कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम इन अ पॉकेट ऑफ माउंटेन्स, ऐसे चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक प्लेन लैंड है ना उसके बीच में,
मजा आ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, सरचू पहुंचने के बाद बहुत लोगों को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है और उसके बाद वॉमिटिंग, नॉजियाटिक फीलिंग आता है। इसको बोलते हैं AMS, माउंटेन सिकनेस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो राइडर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वो इन पहाड़ों पे आने के मज़े से वो लोग पानी पीना भूल जाते हैं, विच इज़ द बेसिक नीड फॉर द बॉडी। इस ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन बहुत कम है और पानी विल बी लाइक द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में। तो मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब आप लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन पे आ रहे हो या फिर कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन पकड़ लो, उसमें आपको पानी अच्छे तरीके से पीना पड़ेगा। उसके साथ आपके साथ पॉपकॉर्न रख दो, पॉपकॉर्न बहुत अच्छा चीज़ है इस सिकनेस से निकलने के लिए, वॉमिटिंग रोकने के लिए। और तीसरा चीज़, जब आपको लग रहा है कि थोड़ा हेडेक आने वाला है, थोड़ा सा बीमार पड़ने वाले हो आप, जहाँ पे भी आप रुके हो, आस्क देम फॉर हॉट वाटर, नहीं तो ल्यूक वार्म वाटर ग्लास में लो, उसको धीरे धीरे सिप करते रहो। मैं जब यहाँ पे पहुँचा, टेंट वेंट पिच किया, टेंट वेंट पिच करने के बाद मेरे को थोड़ा सा लगने लगा था कि ऐसे सर दर्द होने वाला है। मैं तुरंत किचन पे गया, अपना फ्लास्क लेके वहाँ पे गर्म पानी मांगा, गर्म पानी उन्होंने दिया, मैं फ्लास्क का ढक्कन में धीरे धीरे गर्म पानी सिप करते गया। ऑलमोस्ट 1 लीटर तक मैं पानी 1 घंटे तक बैठ के पिया, उसके बाद एकदम फिट हो गया, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही यहाँ पे। कैंप से रोड क्रॉस करके, मतलब मैं तो ऐसे ही भटक रहा हूँ तब से, तो भटकते भटकते यहाँ एंड पे आ गया। एंड पे आके ये खाई के ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा मैं, ये नीचे आप देख रहे हो कितना खाई है, पूरा नदी बह रहा है। और वहाँ पे तो पता चल रहा है पत्थर पत्थर सब मिट्टी वाला पहाड़ी है, यहाँ पे कभी भी धस सकता है, गीला होगा तो धस ही जाएगा, मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा हूँ इसीलिए। क्या ही सीन है, मैं अगर इस तरफ नहीं आता तो ये चीज़ नहीं देख पाता। तो अच्छा गया कि मैं कैंप से निकल के थोड़ा इस तरफ आके व्यू ले रहा। मैं ऐसे नोटिस कर रहा था, वो वहाँ दूर पे पहाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने ऐसे पत्थर स्टैक कर करके कुछ बड़े बड़े बना के रखे हैं, वो स्तूपा टाइप का होता है ना, तो इन मेमोरी ऑफ समवन और समथिंग आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे बना के रखे। और नीचे तरफ भी है और ये पूरा ना टूटा फूटा पत्थर है। और ऐसे पहाड़ पे ना पत्थर टूटते कैसे, जब इसमें ओस गिरता है या फिर पानी गिरता है, वो पानी ना पत्थर के क्रैक्स में चला जाता है और रात को टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो आइस हो जाता है और आइस एक्सपैंड होता है, उसी से क्या होता है कि पत्थर में क्रैक्स आ जाते हैं और ज़्यादा क्रैक्स आते करते करते पत्थर टूट जाता है और ऐसे पूरा चूर चूर वाला पहाड़ बनता है। तो ये जहाँ से बारालचा ख़त्म किया, बारालचा पास, उसके बाद से ये पूरा सेक्शन जो है सरचू से लेके पांग तक, ये ऐसा ही रोड और ऐसे ही पहाड़ देखने को मिलेगा। रात हो चुका है, लाइट जल गया और अभी थोड़ा देर बाद खाना वाना खा के मैं सो जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि दिन भर के राइड के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है सच बता रहा हूँ। तो पानी, गर्म पानी मैं कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके पी रहा हूँ, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं सुबह को एकदम ब्रेकफास्ट वाले सीन पे, अर्ली मॉर्निंग से क्या क्या होता है वो मैं शेयर करूँगा। सरचू से आगे का जर्नी रहने वाला है लेह के तरफ का और फाइनली मैं लद्दाख रीजन एंटर कर जाऊंगा हिमाचल प्रदेश छोड़ के। और सरचू से लेके ये जर्नी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो कैंपिंग वाला पार्ट है फिर उसके साथ ये कर दूंगा तो वीडियोस थोड़े लंबे हो जाएंगे और लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही रखते हैं, आई होप यू एंजॉयड माई कैंपिंग एट सरचू। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में जिसमें मैं ट्रैवल करूंगा सरचू से लेके लेह की तरफ। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द रीगेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, यार सोलो राइड कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल से, थोड़ा सा हेल्प करो, थैंक यू सो मच।